नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक खूबसूरत सा थाल पोस का एक डिजाइन लेके आई हूँ और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो बनाना सिखाया है। तो दोस्तों, इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस खूबसूरती डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने हल्के हरे रंग का इस्तेमाल किया है। ये 3-ply का ऊन है और इसे हम 12 नंबर के क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे हम 12 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 12 चेन्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम पलटेंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन है, ये वाली फर्स्ट चेन, पहली चेन, उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये छोटी सी रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस रिंग में हम सबसे पहले इसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इस रिंग में इसके आगे 23 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रोशिया को हम इस रिंग में डालेंगे और इस तरीके से पहली फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम दोबारा लपेटेंगे और सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोबारा लपेटेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी थर्ड हाफ डबल क्रोशिया हो गई और इसी तरीके से हम 23 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं इस रिंग में 23 हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इस रिंग में 23 हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन में 1 2 सेकंड चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम जो आगे वाली हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया 1 चेन। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर हाफ डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो आगे वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर हाफ डबल क्रोशिया में 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन बना ली है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 5 चेन बनाई थी उसकी 4th चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर जिसमें हमने 4 चेन बनाई है उसी जगह पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन हो गई। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर ट्रिपल क्रोशिया में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। तो इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से और इसी तरीके से हम ये पूरे राउंड में बना लेंगे। और इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और हमने पूरे राउंड में हर ट्रिपल क्रोशिया में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बना ली है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी उसकी 4th चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे।
इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे और इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे इसी जगह पर हम जिसमें हमने थ्री चेन बनाई है उसी में हम वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे टू चेन छोड़ के आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, और इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है टू चेन छोड़ के आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें भी हम इसी तरीके से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बन के तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री चेन बनाएंगे और इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे टू चेन बनाएंगे और इसके आगे टू चेन छोड़ के आगे की जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे टू चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर थ्री डबल क्रोशिया में थ्री डबल क्रोशिया और उसके आगे टू चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री चेन बनाएंगे, इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तरीके से और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम वन डबल क्रोशिया और उसके आगे टू चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री चेन बनाएंगे और इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये फोर डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हर डबल क्रोशिया में वन वन डबल क्रोशिया बनानी है और इसके आगे हम टू चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने फोर डबल क्रोशिया फोर डबल क्रोशिया और उसके आगे टू चेन बना ली। अब इसके आगे की जो फोर डबल क्रोशिया है इनमें भी हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे टू चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। दोस्तों जैसे कि हम ये राउंड बना रहे हैं सेवेंथ राउंड, उसी तरीके से हम बिल्कुल इसी तरीके से एट्थ और नाइन्थ राउंड बनाएंगे। इसके आगे की जो फोर डबल क्वेश्चन है इनमें हम फोर डबल क्वेश्चन और इसके आगे टू चेन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इसी तरीके से पूरा राउंड बनाएंगे। और इसके आगे के यानी ये जो सेवेंथ राउंड है और उसके आगे जो एट्थ और नाइन्थ राउंड है उसे भी हम जैसे हमने सेवेंथ राउंड बनाया है उसी तरीके से हम बिल्कुल इसी तरीके से एट्थ और नाइन्थ राउंड बना लेंगे। तो हम तीनों राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ राउंड बिल्कुल एक जैसे बना लिए हैं और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री चेन बनाएंगे और इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे और इनका लास्ट फंदा क्रोशिया में ही रखेंगे सबसे पहले और इनको हम सबसे इसके बाद में लास्ट में जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे नाइन चेन बनाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे।
तो इसके आगे की जो फोर डबल क्रोशिया है इनमें भी हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। और इन्हें हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे नाइन चेन बनाएंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो हम पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने फोर डबल क्रोशिया को जोड़ के जो चेन बनी थी ऊपर, उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके आगे जो नाइन चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू तरीके से। इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे, इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे, और इसके आगे हम टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे, और इसके आगे इसी नाइन चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल जैसे हमने ये बनाया है उसी तरीके से हम आगे जो नाइन चेन का गैप है इसमें भी बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन। दो बार हमें नाइन चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनानी है। इस तरीके से अब इसके आगे जो नाइन चेन का गैप है इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो नाइन चेन का गैप है इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे। इस तरीके से और इसके आगे यही पैटर्न हम दोबारा से दोहराएंगे। तो इसके आगे टू बार हम नाइन चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे टू बार, और वन बार इसके आगे जो नाइन चेन के गैप है इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे, और इसके आगे जो नाइन चेन का गैप है इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशिया और टू चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है उसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। फिर हम दोबारा से यही पैटर्न दोहराएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमें थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम थ्री स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, और इसके आगे जो टू चेन की सॉरी जो थ्री चेन का गैप है इसमें हम वन स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से ये थ्री स्लिप स्टिच हो जाएंगी। अब इसके आगे हम थ्री चेन बनाएंगे और इसे हम वन डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसी थ्री चेन के गैप में हम टू डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और थ्री चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो नाइन चेन का गैप है जिसमें हमने थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया बनाई है, तो इसके जो बीच में जो थ्री चेन का गैप है इसमें हम बनाएंगे। तो यहां पर भी हम इसी तरीके से थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया और थ्री चेन बनाएंगे, यानी हमें टू बार थ्री चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन,
थ्री डबल क्रोशिया और थ्री चेन बनानी है। इस तरीके से अब इसके आगे जो 9 चेन के गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाई है, तो उसमें हम 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया से शुरू करेंगे। तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन के गैप है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन। अब इसके आगे जो 9 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब यही पैटर्न हम दोबारा से दोहराएंगे। तो यहां पर 2 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे और यहां पर 1 बार हम जैसे हमने यहां पे बनाया है 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने यहां पे बनाया है। और उसके आगे हम यहां पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। और इसके आगे फिर दोबारा से यही पैटर्न दोहराएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बन के तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाए थे इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो बनाना सीखेंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।